नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने मोबाइल में वॉलपेपर को कैसे सेट करते यानी कि लगाते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोबाइल में वॉलपेपर को सेट करने के लिए लगाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके फ़ोन में यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे में वॉलपेपर्स का ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है आपके फ़ोन में यह जो ऑप्शन है इधर उधर दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर आपको इसी में वॉलपेपर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में बहुत सारा वॉलपेपर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा वॉलपेपर दिख रहा है, और यहाँ पर नीचे में मोर वॉलपेपर्स का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर और सारा वॉलपेपर दिख जाएगा, तो यहाँ से इसको भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमको इस कलर का वॉलपेपर लगाना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी टाइप का बहुत सारा वॉलपेपर आ गया है। तो यहाँ से आपको जो भी वॉलपेपर को लगाना है, सेट करना है, उसको यहाँ से आपको पसंद कर लेना है। पसंद करने के बाद आपको उस वॉलपेपर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको पूछेगा कि आप इसको लॉक स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं, यानी कि जो आपका स्क्रीन जब ऑफ़ कर देते हैं उसके बाद जब स्क्रीन ऑन करते हैं तो वहाँ पर यह दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर होम स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो अभी डिस्प्ले दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले ऑन है, तो यहाँ पर हमेशा हमको वही वॉलपेपर दिखना चाहिए, तो यहाँ पर आप उसको होम स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है होम एंड लॉक स्क्रीन। अगर आप इसी वॉलपेपर को होम स्क्रीन पे भी लगाना चाहते हैं और यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे भी लगाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमको होम स्क्रीन पर लगाना है, तो यहाँ पर हम होम स्क्रीन पर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेटिंग हो रहा है। उसके बाद यहाँ से वह सेटिंग कम्प्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ से कैंसिल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में, हमारे मोबाइल में वॉलपेपर लग गया है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं यानी कि लगा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।